बुंदेलखंड इस नाम के साथ ही जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के 7 जिले। साथ में जुड़ा है सूखा, पानी की कमी, प्यास, बूंद बूंद के लिए संघर्ष। बुंदेलखंड के इस कड़वे सच के बीच एक मीठी हकीकत भी है। प्यास बुझाने के लिए रोज रोज हो रहे संघर्ष ने लोगों को पानी बचाने के गुर सिखा दिए। अब तो कई गांवों के लिए जल संरक्षण ऐसी मुहिम बन चुका है जो कभी खत्म नहीं होगा। अब तो लोग ऐसे गांवों को जलग्राम कहने लगे हैं। जी हां, ऐसा ही एक गांव है बांदा का जखनी। बांदा के जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर 6-7 साल पहले तक जब सूखे की बात होती थी तो जखनी और इसके आसपास के गांवों की तस्वीरें ही दिखाई देती थी। आज ये तस्वीर बदल चुकी है। जखनी में पानी है, हरियाली है। जो कभी जखनी पर तरस खाते थे आज तारीफ करते नहीं थकते। इस गांव के कुएं और तालाब पानी से लबालब रहते हैं। हैंडपंप के हलक अब गर्मियों में भी नहीं सूखते। इसलिए खुद जल शक्ति मंत्रालय ने भी जल संरक्षण के लिए जखनी को सराहा है। आइए बताते हैं जखनी के लोगों ने बिना सरकारी मदद के पानी की बूंद बूंद को कैसे बचाया। इस मुहिम का मूल मंत्र है गांव का पानी गांव में। पानी बरसात का हो या घर से निकला हुआ, पिछले 6-7 वर्षों से जखनी से पानी का एक बूंद बाहर नहीं गया। घरों का पानी नालियों के जरिए तालाब में जमा होता है। किसान बरसात के पानी को मेड़बंदी कर खेतों के आसपास रोक लेते हैं। अब पहले हम लोग भी नहीं, यहाँ चले गए थे, गांव छोड़ चले, पलायन कर गए थे। मैं नोएडा में रहा 10 साल कम से कम नोएडा में। फिर वहाँ जब सही नहीं हुआ तो हमने कहा चलो लौटो यार। हम लौट के आए अपने गांव में, फिर हमने कुछ लोगों को देखा, अपने किसानों को मेड़बंदी किया, मेड़ बनाई, मेड़ में मतलब पानी रोका गया। फिर पानी रोकने के बाद फिर हम लोगों ने अपना अपना धान लगाना शुरू किया। तो जो नीचे का जो स्तर है थोड़ा सा अब वो बढ़ता चला रहा हुआ है। जब 6-7 साल तक सभी ग्रामीणों ने अथक मेहनत की तो अब तपस्या का फल भी मिलने लगा। कभी पानी बिना फसल सूख जाती थी, अब लोग साल में 2 फसल तैयार कर लेते हैं। जब घर में दाना पानी मिलने लगे तो परदेश में जूते घिसने कौन जाएगा। इसलिए अब जखनी के लोगों को 2 जून की रोटी के लिए प्रवासी बनना भी मंजूर नहीं। अब बीटेक की डिग्री वाले किसान अनिरुद्ध को सुनिए। मैंने भी अपने खेतों में धान की खेती शुरू की। पहले साल सफलता नहीं मिली पानी की वजह से। दूसरे साल मैंने फिर प्रयास किया। जिन खेतों में मतलब साल भर में 1 लाख का पैदा नहीं होता था उन खेतों में मैं पिछले साल 6 लाख रुपए 8 लाख रुपए मैं पैदा कर रहा हूँ एक साल में। ये है किसान राम मिलन। कभी मजदूरी के लिए परदेश जाते थे, अब घर में सुखी हैं। मैं सर खुद दिल्ली में जो है कम से कम 20 साल रहा। उसके बाद जब मैं यहाँ आया, सुना कि बासमती चावल मतलब कहने के लिए लगाया जा रहा है, जखनी ग्राम से मतलब जैसे पानी इकट्ठा किया, उनकी हम लोगों ने जो है नकल की, तो उससे जो है इस समय अब बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। अब तो जखनी के आसपास के गांव बरसड़ा, सहेवा, घुराड़ा, महुआ, छिबाव और पतौरा समेत कई गांवों ने भी पानी का मोल समझ लिया है। जखनी बुंदेलखंड का वो गांव है जहां कभी पानी के अभाव के कारण लगभग 99% नौजवान पलायन कर गया था। जखनी के लोगों ने वर्षा की बूंदों को अपने खेत में पकड़ा, भूजल को रोका, गांव को पानीदार बनाया। आज जखनी पूरे देश के लिए एक जो परंपरागत तरीके से समुदाय के आधार पर भूजल संरक्षण के लिए बगैर सरकार की सहायता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो इस गांव से जो एक तरीके से प्रेरणा गई, जखनी से जल संरक्षण की जो प्रेरणा गई है वो पूरे भारत में गई है। बगैर प्रचार प्रसार के मेड़बंदी यज्ञ पूरे भारत में पहुंच गया है, जहां जल के कारण सूखा पड़ा हुआ है। गांव वालों की इस मुहिम से प्रशासन भी गदगद है। अधिकारी ग्रामीणों के प्रयास की तारीफ तो करते हैं और साथ में अपनी पीठ भी थपथपा लेते हैं। बुंदेलखंड को सूखा ग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन यहाँ वर्षा का औसत पंजाब से ज्यादा है।
कई जगहों से यहाँ ज़्यादा है बरसात का औसत, लेकिन वर्षा जल का संरक्षण ना किए जाने के कारण यहाँ पेयजल की किल्लत होती है। इसको देखते हुए हमारी वर्तमान केंद्र की सरकार और राज्य सरकार ने भी निर्णय लिया है कि सतह के पानी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा और वर्षा के जल का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इसे देखते हुए कई गाँवों में काम हो रहा है, हम भी उसके लिए काम कर रहे हैं। जखनी गांव जलगांव बन चुका है, अब वहां के कुओं और जलाशयों में पानी है और ग्रामीणों में संतोष। आस पड़ोस के कई गांव अब जखनी की राह पर चल चुके हैं। जल संरक्षण की इस मुहिम से अब लोगों को उम्मीद है कि अगर समस्या है तो समाधान भी है, अगर प्यास है तो पानी भी है। ईटीवी भारत के लिए बांदा से आनंद तिवारी की रिपोर्ट।